अधिवक्ता राजेश टंडन कलेक्ट्रेट के बाहर बैठे सांकेतिक धरने पर। जवाहरलाल नेहरू अस्पताल के मेडिसिन आईसीयू कोविड 19 वार्ड में हुए शॉर्ट सर्किट मामले को लेकर आज वरिष्ठ वकील राजेश टंडन कलेक्टर के बाहर धरने पर बैठे हैं। उन्होंने मांग की है कि इस हादसे में एक मरीज की जान गई थी, जिसकी निष्पक्ष जांच की जाए और मृतक के परिजनों को 20 लाख का मुआवजा भी दिया जाए। टंडन ने बताया कि अस्पताल प्रशासन एवं पीडब्ल्यूडी विभाग की घोर लापरवाही से शॉर्ट सर्किट होने से भर्ती 20 मरीजों की जान खतरे में पड़ गई थी, जिसमें से 10 मरीजों जो कि वेंटिलेटर पर ही थे, शॉर्ट सर्किट की वजह से आग लगी और वार्ड में अंधेरा हो गया। मरीजों और उनके परिजनों में अफरा तफरी मच गई, चारों ओर धुआं भर गया, मरीजों को सांस फूलने लगी। इस आपाधापी में वेंटिलेटर से हटाने में एक वृद्ध मरीज की मृत्यु हो गई। वह मरीज जिस वेंटिलेटर पर था, वह शॉर्ट सर्किट होने से वेंटिलेटर जल गया और मरीज की अकाल मृत्यु हो गई। इसके संबंध में आज कलेक्ट्रेट के बाहर धरना देकर अस्पताल प्रशासन के खिलाफ आवाज उठा रहे हैं और मांग करते हैं कि कोविड 19 में वृद्ध की मौत हुई, उसको 20 लाख का मुआवजा राशि दी जाए और अस्पताल के अंदर जो लाइनें हैं उन सबको मोटी तारे लगाई जाए। जी भाई साहब, आपको और भी करने पे बैठे देखिए, 8/11 को मेडिसिन आईसीयू के कोविड वार्ड में एक अग्निकांड हुआ, क्योंकि तारें जो थी वो बहुत कमजोर थी। 10 मरीज जो थे वो वेंटिलेटर पे थे, 20 मरीज कोविड वार्ड में भर्ती थे और उस अग्निकांड में जो है इतनी जबरदस्त धुआं हुआ कि एक व्यक्ति की मृत्यु हो गई और उसके मृत्यु हो जाने की वजह से वहाँ पर एक आपाधापी मच गई और उनको इमीडिएट ईएनटी वार्ड में शिफ्ट किया गया। मैं जब सुबह वहाँ अस्पताल पहुँचा तो मैंने उस सारे घटनाक्रम को देखा। वहाँ जो ऑक्सीजन की पाइपलाइन थी वो भी बहुत पतली थी, मानकों के अनुरूप नहीं थी। मैंने अस्पताल प्रशासन को कहा कि ये आपकी घोर लापरवाही है। अस्पताल प्रशासन से मैंने पूछा कि यहाँ पर अग्निशमन यंत्र कहाँ पर हैं, तो बोला साहब अग्निशमन यंत्र नहीं है, ना तो किसी वार्ड में है, ना आईसीयू कोविड वार्ड में है और ना किसी अन्य जगह है। तो जब अग्निशमन यंत्र नहीं होंगे तो कभी भी अगर शॉर्ट सर्किट होगा तो आप कैसे बचाओगे। तो मैंने उस वक्त ये मांग करी कि आपराधिक मानव वध का मुकदमा संबंधित कर्मचारियों अधिकारियों के विरुद्ध दर्ज किया जाए। पीडब्ल्यूडी की अगर ग्रॉस नेग्लिजेंसी है, पीडब्ल्यूडी की अगर दोषी है, तो पीडब्ल्यूडी के अधिकारियों को दोषी माना जाए। उसके बाद मृतक के परिवार को, उसके आश्रितों को 20 लाख का मुआवजा दिया जाए। इन बातों को लेकर के मैंने राज्य सरकार को और उसी वक्त जिलाधीश के माध्यम मुख्यमंत्री जी को ज्ञापन दिया और उनसे 10 दिन का समय मांगा। मुझे कल, आज मेरे 10 दिन हो रहे हैं, मुझे कल रात को बहुत मुश्किल से ये स्वीकृति अनुमति मिल गई। मैं आज धरने में बैठा हूँ। मेरी मांग ये है कि उस परिवार को तो ये मिला जाए। देखिए, डॉक्टरों ने कोविड के समय में बहुत अच्छे काम किए। कुछ डॉक्टरों ने तो अपनी जान पे खेल के हिंदुस्तान के अग्रणी डॉक्टरों में से अजमेर के रहे, पर कुछ डॉक्टर इतने लुटेरे टाइप हैं कि वो सिवाय लूटने की कोई काम ही नहीं कर रहे। आप देखिए, आज की स्थिति ये है कि आज आउटडोर में ये कितने पेशेंट देखते हैं, आज आउटडोर में क्या देखते हैं जो घरों पर देखते हैं। 300 रुपये प्रति व्यक्ति ले रहे हैं और उसकी रसीद नहीं देते। इनके घर में, आवासीय घर में वाणिज्यिक उपयोग की, वाणिज्यिक कार्य की, इनके घर में दवाइयों की दुकान खुली हुई है। इनकी दुकानों पे वही सामान मिलता है जो ये लिखते हैं, बाकी अन्यत्र पूरे शहर में नहीं मिलता। तो मेरा ये कहना है कि जैसे कलेक्टरों की, एसपीओ की, आरएएस की, आरपीएस की कोई नीतिगत निर्णय है कि 3 साल में वो स्थानांतरित हो जाए, तो डॉक्टर क्यों नहीं स्थानांतरित होते। जो आज 25 साल से, मैं आपको 10 डॉक्टरों का नाम गिना सकता हूं जो 25 साल से अजमेर में हैं, और 25 साल का जो समय है, क्या वो किसी डॉक्टर के लिए उचित है कि वो 25 साल में, आज आप कैसे भी किसी भी घर में, आप वाणिज्यिक उपयोग की रिहायशी मकान में आप कैसे दुकान खोल लो, आज आप दुकान कैसे खुल सकती है वो दुकान। तो मेरा आपसे ये निवेदन है कि मेरी जब ये विनती स्वीकार करें। अभी अंबु बैग वाले में, जब पूर्व में मैं धरने पे बैठा था,
तो भामाशाह वाली फाइलें तो एसीबी वाले ले गए हैं, अंबू बैग वाली फाइलें अभी तक नहीं गई हैं, अंबू बैग वाली फाइलें भी जानी चाहिए, इनका स्थानांतरण की पॉलिसी बननी चाहिए और भामाशाह योजना में जो घोटाले हुए वो फाइल तो चली गई। अब मेरा ये है कि इनके साथ इनका स्थानांतरण हो, दवाई की दुकानें जो घरों पे खुली हुई हैं वो बंद हों और ये मरीजों को रसीद दें, जितना भी ये जो भी देखते हैं। तो इस तरह से अस्पताल का जो आज इन्होंने व्यवसायीकरण कर रखा है, इस प्रोफेशन का इनको धरती के भगवान मानते हैं, इन धरती के भगवान जो हैं धरती पर सिवाय इस लूटपाट से निजात दिलवाने के लिए मेरी राजस्थान सरकार से विनती है, निवेदन है कि इस लूटपाट से निजात दिलाएं। टंडन जी, चिकित्सा मंत्री का गृह जिला है, आप ही की पार्टी से आते हो, क्या देखिए ये उनका दायित्व है, वो जो भी जिस जिले का होता है वो इस जिले में फटकते ही नहीं है, इस जिले में वो कभी आते ही नहीं है, इस जिले का इसको इस अस्पताल को कहाँ से कहाँ पहुँचा सकते हैं। 930 करोड़ रुपया हमारे पास स्मार्ट सिटी में पड़ा हुआ है, उसका चाहे जितना अस्पताल का विकास कर सकते हैं, वो तो एक मध्यावधि चुनाव में एमपी बने, उसके बाद चिकित्सा मंत्री बन गए, उसके बाद उन्होंने अजमेर से मुखी मोड़ लिया, सचिन पायलट जी का वैसे ही ख़त्म हो गया यहाँ से नाता रिश्ता ही, क्योंकि वो एमपी के बाद यहाँ से भाग ही गए, टोंक कॉन्स्टिट्यूंसी में चले गए, मुख्यमंत्री जी सिवाय जोधपुर के किसी को पनपाते नहीं है। तो ऐसे में लावारिस स्थिति में हमारा अजमेर स्टेट अलग था, हमारा राजस्थान में जो विलय हुआ वो अजमेर का मर्जर नहीं हुआ, अजमेर का मर्डर हो गया। हमारा मुख्यमंत्री था, हमारे विधायक थे, मैं तो आज भी कहता हूँ भाई हमें हमारी अजमेर मेरवाड़ा स्टेट वापस दे दो।